सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कई महिलाएं अपने व्यस्त जीवन, काम का दबाव या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने आहार की तरफ उपेक्षा करती है यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाती है और इसी के कारण वो बहुत सी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी से ग्रस्त होती है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन पोषक तत्वों को हर महिला को अपने आहार में शामिल करना चाहिए और इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये सुपर फूड हर महिला नियमित रूप से सेवन करती है तो वो किन किन बीमारियों से और कैंसर से बच सकती है। सो इनमें सबसे पहले आता है दही। दही ये महिलाओं के महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। दही में बहुत सी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और हमारे शरीर में नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए भी कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है और ये कैल्शियम नॉर्मली हम आहार में से लेते हैं, पर आहार में ही अगर कैल्शियम कम रहा तो हमारा शरीर हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है और इसी के कारण कमज़ोर हड्डियाँ यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का कारण भी बन सकता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। फिर दूसरी चीज़, दही में प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब क्या? प्रोबायोटिक्स मतलब गुड या हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्था में प्रेजेंट होते हैं, जो आंत की गतिशीलता या इंटेस्टिनल मोटिलिटी को मदद करते हैं और पाचन को बढ़ाते हैं और इसीलिए कब्ज या दस्त को कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, दही में प्रोटीन बहुत मात्रा में होते हैं जिसकी वजह से ये तृप्ति बढ़ाने का काम करता है और वज़न कम करने में भी हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद में आता है अंडा यानी कि एग। अंडा ये 100% प्रोटीन का सोर्स है। अंडा ये विटामिन B12 और फोलेट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्रोत है जो महिलाओं के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। विटामिन B12 ये एनीमिया यानी कि खून की कमी के जोखिम को कम करता है जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। सेकंड थिंग, जो फोलेट होता है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम फोलेट की मात्रा हमारे बॉडी में सही रही तो प्रेगनेंसी में न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि न्यूरोलॉजिकल जन्म दोषों की भी जोखिम को फोलिक एसिड कम करता है और इसीलिए डॉक्टर्स आपको जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो पहले 3 महीने के लिए आपको फोलिक एसिड लेने का सजेशन देते हैं। साथ ही में फोलिक एसिड हृदय रोग और बहुत से कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर अंडे में कोलीन नाम का पोषक तत्व बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है और साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि जो महिलाएं कोलीन का सेवन करती है उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क 24% से कम देखी गई थी। फिर उसके बाद में अंडे में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सो अंडा ये फुल फूड या फुल न्यूट्रिशियस फूड हम कह सकते हैं। सो हर व्यक्ति, हर महिला को रोज़ अंडा सेवन करना चाहिए या कम से कम हफ्ते में 3 बार तो भी अंडे का सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है पालक। पालक ये आयरन, फोलेट और विटामिन के से भरा होता है। एनीमिया ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में। हमारे खून में ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल कैरी करता है और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आयरन से बना होता है। सो महावारी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि स्तनपान के दौरान खून की कमी के कारण आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है और इसी के कारण डॉक्टर लोग इन सिचुएशंस में पालक का सेवन करने में आपको कहते हैं क्योंकि पालक में बहुत से मात्रा में आयरन होता है। फिर इसके बाद में पालक में विटामिन ए और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत से कैंसर से हमें बचा सकते हैं, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन और लंग या फिर फेफड़ों के कैंसर से हम बच सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे स्किन में एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कोलेजिन कहते हैं। सो पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और ये कोलेजन अगर बढ़ता है तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी या फॉर्मनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इनडायरेक्टली पालक ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अमरूद फल। ये फल महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फल है। अमरूद यानी कि ग्वावा, राइट, जिसे हम मराठी में पेरू भी कहते हैं।
अमरूद ये फल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे, हम जो कुछ भी आहार लेते हैं उसमें से आयन एब्सॉर्प्शन के लिए। सो इनडायरेक्टली अमरूद खाने की वजह से आयन एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, जिसकी वजह से एनीमिया कम हो जाता है महिलाओं में। फिर उसके बाद में अमरूद में लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये त्वचा स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद में अमरूद में कैल्शियम का प्रमाण भी बहुत होता है, जो महिलाओं को इनडायरेक्टली ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाते हैं। फिर उसके बाद में जो पोषक तत्व आता है वो है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, या फिर मराठी में हम अर्शी या फिर जवस भी इसे कहते हैं। अलसी ये जो पोषक तत्व है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है। सो अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फंक्शन क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर में ब्रेन या मस्तिष्क या फिर आँखों की विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सेकेंड थिंग, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारे स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो अलसी में मौजूद है इसकी वजह से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बहुत सी महिलाएं ग्रस्त होती है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब जो महामारी के पहले बहुत से महिलाओं को पेट दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, थकान महसूस होता है, या फिर चिड़चिड़ापन आता है, इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। सो जो महिलाएं ये समस्या से ग्रस्त हैं उन महिलाओं ने अलसी का सेवन करना ही करना चाहिए, ताकि वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बच सके। फिर इसके बाद में जो पोषक तत्व आता है वो है सोयाबीन। सोयाबीन ये आयन, फोलेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बड़ा स्रोत है। मध्यम मात्रा में सोया खाना खाने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। सो सोयाबीन में एक फाइटोइस्ट्रोजन होता है जिसे हम पौधा इस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि ह्यूमन इस्ट्रोजन के बहुत ही समान होता है और ह्यूमन इस्ट्रोजन के जैसा मदद करता है। सो मेनोपॉज के बाद भी जिन महिलाओं में इस्ट्रोजन का प्रमाण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनमें बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे कि हॉट फ्लशेस। सो इन समस्याओं में भी सोयाबीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और नॉर्मली भी हर महिला को सोयाबीन का मध्यम मात्रा में सेवन करना चाहिए। सो अगर आज की वीडियो को हम समराइज करते हैं तो हमें डेली बेसिस पे दही खाना चाहिए, फिर अंडे का सेवन हफ्ते में कम से कम 3 बार करना चाहिए, पालक, अलसी, अमरूद और सोयाबीन का भी नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो ये सुपरफूड्स जो महिलाएं नियमित रूप से सेवन करती है उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर वजाइनल इन्फेक्शन जैसे समस्याओं में भी ये सुपरफूड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।